अनाग्लो रसोई की रंगत में हम मूंग की छुट्टी दाल बना रहे हैं और मूंग की छुट्टी दाल का और कढ़ी का गुजराती कढ़ी का कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों। मैंने दाल को लगभग डेढ़ कटोरी दाल को मैंने धो के आधे घंटे से भिगाया है और अभी आप देख सकते हो दाल मस्त भीग गई है। और अभी मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल लिया, उसमें राई, तज और लौंग डालेंगे और हींग डाल के हमारी दाल डालेंगे। राई चटकने लगी है दोस्तों, हम थोड़ी हींग डालेंगे और फिर हल्दी डालेंगे और हमारी दाल। तो कलर पूरा अलग आता है, हल्दी को हमने तेल में डाला, ये बात का ध्यान रहे दोस्तों। तो आप देख सकते हो मैंने जैसे ही राई हो गई मैंने उसमें हींग और हल्दी डाली और कलर देखो, सिर्फ हींग, हल्दी और हमारी मूंग की दाल है। अब इसमें मैं स्वाद अनुसार लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर और हल्दी हमने पहले डाल दी है लेकिन थोड़ी डाल रही हूँ दोस्तों, नमक और ये अभी जो पानी है वो कम है तो आधा ग्लास और पानी डाल के उसको हम ढक के पकाएंगे नमक स्वाद अनुसार। 10 मिनट के बाद हमारी दाल छुट्टी दाल हो जाएगी। और छुट्टी दाल के लिए दोस्तों कढ़ी के साथ में जो गुजराती कढ़ी बन रही है अपने घर आज, तो कढ़ी के साथ में इसका कॉम्बिनेशन है मूंग की छुट्टी दाल, कढ़ी और चावल। तो मैंने यहाँ पे दाल जो बघारी है वो डूब जाए इतना पानी डाला है आप देख सकते हो और अब उसको ढक के 10 मिनट पकाएंगे। तो ये देखो हमारी दाल बॉईल हो रही है और उसको छुट्टा बनाना है इसलिए हम पानी का बिल्कुल भाग को जला देंगे।